एचसी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए स्थानीय निवासियों ने कई विधायक और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर अवगत भी करवा दिया है, लेकिन आश्वासन के अलावा समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। छोटे भवन में अस्पताल होने के चलते मुख्यमंत्री दवा और जांच योजनाओं का मरीजों को लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। जयसिंहपुरा के स्वास्थ्य केंद्र को साल 2013 में क्रमोन्नत करने के बाद भी आज ये सीएचसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। इस सीएचसी का आउटडोर, लेवर रूम, कमरे, दवा वितरण और स्टोर रूम समेत सभी व्यवस्थाएं केवल 250 वर्ग गज में संचालित की जा रही हैं। हॉस्पिटल में हवा की निकासी नहीं होने से घुटन बनी रहती है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग समेत और भी सुविधाओं के मुद्दों से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। ये एक डिस्पेंसरी है, ये केवल 150-200 गज में बड़ी हुई है। यहाँ पर 60 डॉक्टर है, पर बैठने की व्यवस्था नहीं है और कई दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जांच वगैरह ये नहीं होती है। डिलीवरी के टाइम पे कई लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है और यहाँ से अगर जयसिंहपुरा खोर से जयपुर लेकर के जाते हैं तो रास्ता इतना सकड़ा है कि आधा आधा घंटा जाम लग जाता है। कभी कोई भी हादसा हो सकता है, डिलीवरी के टाइम पे मौत भी हो सकती है। यहाँ एक तो नाइट में भी और हेडक्वार्टर पर कर्मचारी रहना अनिवार्य कर्मचारी, जबकि राज्य सरकार का निर्देश है हेडक्वार्टर पर कर्मचारी चाहे स्कूल के हो चाहे हॉस्पिटल के हो। स्थानीय पार्षद ग्यारसी लाल सैनी के अनुसार साल 2013 में जयसिंहपुरा पीएचसी क्रमोन्नत कर पास के सरकारी भूमि को मरीजों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराने को प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं इस सरकारी भूमि पर अब भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिससे प्रसूताओं के प्रसव के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। 2-3 साल पहले यहाँ पे डिलीवरी भी होती थी, परंतु आज डिलीवरी भी बंद हो गया। यो तो हम ये चाहते हैं कि कई बार लिखत पत्र कर चुके हैं, सरकारी जमीनें पड़ी हुई है यहाँ पे, ऐसी बातचीत में सरकारी जमीनें नहीं है भाई हॉस्पिटल बनाने के लिए, परंतु वो कोई ध्यान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि सरकारी जमीन पे डिस्पेंसरी बड़ी का रूप ले ताकि जनता को सुविधा मिले, 31 बेड लगे, इसके जांचें फ्री हो, सारे काम। सरकार उस जमीन को भूमाफिया मुक्त करवाए और इस डिस्पेंसरी को बड़ी वहाँ करवाए। हम चाहते हैं ये बिल्डिंग बड़ी हो, जयसिंहपुरा खोर के लोगों को बहुत सुविधा मिले। न तो डिलीवरी सुविधा है, इंडोर नहीं है, डॉक्टर है, पर जगह नहीं है, कमरों बैठने की। जयसिंहपुरा खोर में चिकित्सा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। मरीजों की सर्जरी, मेडिसिन, महिला रोग और शिशु रोग विशेषज्ञों की जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल में दवा और जांच केंद्रों की सुविधा नहीं मिलने से मरीज परेशान हैं। हॉस्पिटल में अधिकतर समय में डॉक्टर्स बाहर की दवा लिख रहे हैं। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।